दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दांव पर बड़ा दाग लग चुका है। जहां 2024 के चुनाव में ये नारा दिया जाने लगा कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, और आए सिर्फ 240। और जो केंद्र में सरकार भी बना पाए हैं तो दो बैसाखी, एक जेडीयू और दूसरी टीडीपी, जिनके सहारे केंद्र में देश के प्रधानमंत्री जो हैं अपनी सरकार चला पा रहे हैं। 2024 में यशस्वी जीत और महज एक डेढ़ महीने पहले गोदी मीडिया में पूरा नंगा नाच जो है वो चलता रहा, जिसकी तस्वीरें सामने आई। महज एक से डेढ़ महीने के अंदर ऐसा क्या हो गया जहां 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और 13 विधानसभा सीटों में 11 विधानसभा सीटों में इंडिया गठबंधन आगे निकलता है। और सबसे बुरी दुर्गति जो है भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में देखने को मिली है, जहां चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी है। किसी ने 50,000 वोटों से अपनी जीत का परचम लहराया है, तो किसी ने 30,000 वोटों से अपनी जीत का परचम लहराया है, कोई 22,000 वोटों से आगे है, तो कोई 40,000 वोटों से आगे है। एक बड़ा झटका जो है भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव के नतीजों में लगा है, जहां 13 विधानसभा सीटों में कहां कहां चुनाव हुए, कौन कौन जीता, कौन कौन अभी 12वें राउंड में आगे है, ये पूरी डिटेल जो है आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं। जहां आपको बता दें कि बिहार की रूपाली सीट है, जहां पर बताया जा रहा है कि शंकर सिंह जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं वो चुनावी मैदान में थे और वहां से वो आगे चल रहे हैं। इसी के बाद बात की जाए डेरा, जो कि हिमाचल प्रदेश की सीट, वहां पर जीत का परचम जो है कांग्रेस ने लहरा दिया है। कमलेश ठाकुर जो हैं अपनी जीत का परचम लहरा चुके हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की अगली सीट जो थी हमीरपुर, जहाँ बताया गया कि आशीष शर्मा जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस सीट पर आगे चल रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए नालगढ़ की, तो नालगढ़ में हरदीप सिंह बाबा जो हैं वो आगे चल रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार, उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश, जिसकी तस्वीर जो है वो खास तौर पर बताई गई, हिमाचल प्रदेश की तस्वीर ये सामने है। और इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की सीट पर जहां चुनाव हुआ अंबारा में चुनाव हुआ, और अंबारा में इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार धीरेन शाह सुकमरन दास जो हैं वो आगे चल रहे हैं। इसी के साथ साथ जालंधर वेस्ट में आम आदमी पार्टी जो है वो आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मोहिंदर भगत जो हैं वो आगे चल रहे हैं। इसी के साथ साथ विक्रम बेदी जो कि तमिलनाडु में हैं, उस जगह पर अगर बात की जाए तो डीएमके के उम्मीदवार जो हैं आगे चल रहे हैं। इसी के साथ साथ बात की जाए उत्तराखंड के बद्रीनाथ विधानसभा सीट की, तो बद्रीनाथ में इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपनी जीत का परचम लहरा दिया है। और अब बात की जाए अगर उत्तराखंड की दूसरी सीट की, तो उत्तराखंड में मंगलूर में जिस तरीके से बवाल बचाने की कोशिश की गई बीते बकरीद के दौरान, वो तस्वीर लोगों के सामने है। और यहाँ उत्तराखंड में काजी मोहम्मद निजामुद्दीन इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार उत्तराखंड से जो हैं वो अपनी जीत का परचम लहरा चुके हैं। वहीं बात की जाए रायगंज बंगाल की, तो कृष्ण कल्याणी जो चुनावी मैदान में थी टीएमसी की, उन्होंने तकरीबन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 55,000 वोटों से विधानसभा में हराया है। वहीं बात की जाए रानगढ़ दक्षिण की, तो वहां पर वेस्ट बंगाल में चुनावी मैदान में उतरी और टीएमसी जो है वो खास तौर पर यहां से अपनी जीत का परचम लहराती है। मुक्त मेनी अधिकारी जो हैं वो चुनावी मैदान में थे। और वही बात की जाए बागड़ा की, जो कि 94 बागड़ा है, उधर विधानसभा चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव में मधुपुरा ठाकुर जो हैं वो चुनावी मैदान में अपनी जीत का परचम लहराती है।
यानी कि वेस्ट बंगाल की तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी जो है बुरी तरीके से हारी है, जिसकी डिटेल लगातार लोगों के सामने आ रही है। और महज कुछ ही महीने पहले जो हैं लोकसभा के चुनाव हुए, और लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े जुमलेबाजी की गई कि ये मोदी जी की ताकत थी। महज डेढ़ महीने में ऐसी कौन सी ताकत की हवा निकली जो विधानसभा चुनाव ही नहीं जिता पाए, जहां ये बताया गया कि देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर मतगणना जारी है। इन सभी सीटों पर बुधवार को वोटिंग हुई थी। वहीं पश्चिम बंगाल की रायगंज, रानाघाट दक्षिण, बगादा विधानसभा सीट पर मतगणना शुरू होने वाली है। पश्चिम बंगाल में 2021 विधानसभा चुनाव में टीएमसी के मानित कला सीट पर कब्जा जमाया गया था, जबकि भाजपा ने रायगंज और राणाघाट दक्षिण और बगादा में जीत हासिल की थी। इसी के साथ साथ बीजेपी विधायक बाद में पार्टी छोड़कर टीएमसी में चले गए। फरवरी 2022 में टीएमसी विधायक साधन पांडे के निधन के कारण मणिकतला सीट पर उपचुनाव हो रहा है। टीएमसी ने पांडे की पत्नी सुप्ति को इस सीट पर चुनावी मैदान में उतारा है, जिसकी जानकारी जो है वो खास तौर पर दी गई है। हर एक सीट की जानकारी आपके साथ लाऊंगा, पर बंगाल की ये जानकारी सामने आ रही है, जब बताया गया कि मतदान के सभी 10 चरणों के पूरा होने के बाद अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस उम्मीदवार कृष्ण कल्याणी ने रायगंज विधानसभा सीट पर 85,000 से अधिक मतों से जीत हासिल की है, जहां 50,000 जो है वो बताया गया इलेक्शन कमीशन द्वारा, पर अब डाटा सामने आ रहा है कि 85,000 वोटों से। और उसके निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार मानस कुमार घोष जो हैं वो थे अधिक मतों से पीछे चल रहे हैं, जहां 85,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। वहीं दूसरी सीट खासतौर पर वेस्ट बंगाल की बताई जा रही है। मतगणना में 20 में से 7 राउंड पूरे होने के बाद टीएमसी उम्मीदवार सुप्ति पांडे जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं और 2300 से अधिक मतों से महत्वपूर्ण बढ़त बना ली है, जबकि 23,000 वोटों से उन्होंने बढ़त बना रखी है। और कल्याण चौबे जो हैं भाजपा के वो पीछे चल रहे हैं। और इसी सीट पर बताया जा रहा है कि बागदा में 5वें राउंड के बाद टीएमसी प्रत्याशी मधुपर्णा ठाकुर जो हैं 12,444 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसी के साथ साथ बगादा में टीएमसी प्रत्याशी को लेकर के बताया गया कि वो 8,000 वोटों से आगे चल रही थी। इसी के बाद ये जानकारी दी गई 3 राउंडों की के पश्चिम बंगाल की बगादा सीट पर जो है सभी की नज़रें टिकी हुई हैं। और फिर ये बताया गया कि पश्चिम बंगाल की चारों सीटों पर सुबह 8 बजे से मतगणना जारी हुई, और नादिया जिले के राणाघाट दक्षिण विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी मनोज कुमार विश्वास जो हैं मतगणना केंद्र का दौरा करने पहुंच गए थे, जिसके बाद वहां बवाल मचा और टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने यह साफ तौर पर विरोध किया कि इनका उस जगह पर क्या काम है, जिसके चलते जो है बड़ी कहासुनी देखने को मिली है। एक बड़ी जीत का परचम जो है इंडिया गठबंधन ने उपचुनाव में लहरा दिया है।